गुड मॉर्निंग क्लास एट। आज हम परिवेश हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ दो सदाचार का तावीज़ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। लेखक का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। इनका जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था, ठीक है ना। इन्होंने नागपुर से एमए, नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी में किया, एमए पास किया। इसके बाद से इन्होंने स्वतंत्र रूप से लेखन प्रारंभ किया, स्वतंत्र रूप से इन्होंने अपना लेखन आरंभ किया। और इनकी जो कहानियाँ होती थी वो व्यंग्य आधारित होती थी। मतलब एक हरिशंकर परसाई एक बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। अपने व्यंगपूर्ण कहानियों के द्वारा ये समाज से लोगों के मन में जो विसंगतियाँ होती हैं उन विसंगतियों को दूर करने की कोशिश करते थे। और लोगों के मन में जो विसंगतियाँ थी उन्होंने कहानी में चित्रित करने का भी कोशिश किया है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं हरिशंकर परसाई की सदाचार का तावीज़ के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यह एक व्यंगपूर्ण कहानी है। इस कहानी में यह बतलाया गया है कि एक राज्य है जिसमें चारों तरफ भ्रष्टाचार फैली है और भ्रष्टाचार के कारण प्रजा बहुत पर वहाँ की जो प्रजा है वो बहुत परेशान है। तो भ्रष्टाचार की जो खबर है वो राजा के कानों तक ही पहुँचती है। तो राजा अपने भ्रष्टाचार को अपने राज्य से हटाने की भरपूर कोशिश भी करते हैं। साथ ही इस कहानी में यह भी दिखलाया गया है कि बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार मनुष्य कैसे अपने आप को ढाल लेता है, अपने स्वभाव को कैसे बदल लेता है अपनी सुविधा अनुसार। इस कहानी में हमें यह भी बतलाया गया है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं इस कहानी के बारे में। एक राज्य में चारों तरफ हल्ला मचा था। हल्ला क्या था कि चारों तरफ बहुत भ्रष्टाचार फैल गया है, ठीक है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, अपने दरबारियों को वो राजा ने बुलाया और कहा कि जाओ, प्रजा में बहुत हल्ला हो रहा है कि चारों तरफ बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है, परंतु हमें तो आज तक यह भ्रष्टाचार दिखा नहीं है। हमें भ्रष्टाचार क्या होता है, इसका स्वरूप कैसा है, वो हमें दिखा नहीं है। तो तुम राज्य में जाओ और इसे ढूंढ कर लाओ और मुझे दिखाओ कि ये भ्रष्टाचार क्या है, ठीक है। राजा ने जब ऐसे कहा तो दरबारियों ने कहा, हुजूर महाराज, जब ये भ्रष्टाचार, आप राजा हैं तो आपको नहीं दिखा है जब भ्रष्टाचार, तो हमें कैसे दिखेगा। हम तो दरबारी है, जो चीज़ें राजा को नहीं दिखी वो हम दरबारी कैसे देख पाएंगे। और राजा दरबारी को कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो चीज़ें राजा को नहीं दिखती है जरूरी नहीं है कि उसे तुम दरबारी भी नहीं देख पाओ, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें नहीं दिखती वो तुम्हें ज़रूर दिखेगी, जाओ तुम इसे ढूंढो, इसका पता। कि आखिर फिर राजा ने कहा कि जैसे कि जो फिर राजा ने कहा कि जैसे तुम्हें तो रात में बुरे सपने आते होंगे, तुम्हें तो बुरे सपने आते होंगे, लेकिन मुझे वो सपने नहीं आते हैं। इस बात पर दरबारी ने कहा, हाँ महाराज, सपने तो आते हैं, बुरे सपने भी आते हैं, लेकिन ये तो सपने की बात है, ठीक है, ये सपने की बात है, हम इसे कैसे बदलाएं, ठीक है। राजा ने कहा फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए उसका नमूना भी लेते आना। चलो कोई बात नहीं है, जाओ तुम लोग पूरे राज्य में अपने मंत्रियों को फैला दो और इसे ढूंढने की कोशिश करो, अगर ये कहीं दिख जाए, इसका स्वरूप क्या है वो तुम्हें मिल जाए,
तो उसका एक नमूना लेते आना और मुझे दिखाना, ठीक है ना? मैं भी देखूंगा कि ये आखिर होता क्या है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वो हमें नहीं दिखेगा। दरबारी ने राजा को कहा कि हुजूर वो हमें नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सुना है वह बहुत बारीक होता है। बारीक मतलब बहुत महीन, बहुत पतला। हम उसे देख नहीं, खुली आँखों से हम उसे देख नहीं सकते हैं। हमारी आँखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज़ें दिखती ही नहीं है। आपकी विराटता, विराटता मतलब होता है विशाल, ठीक है? तो आपकी विराटता मतलब आपकी विराट छवि को, आपके अस्तित्व को देखने की इतनी अभ्यस्त हो गई है, इतनी आदी हो गई है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें हमें नहीं दिखेंगी। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी। अब दरबारी ने कहा कि अगर हमें दिख भी, हम आपके देखने के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि अगर हमें कहीं भ्रष्टाचार दिख भी गया है तो उसमें भी आप ही की तस्वीर हमें दिखेगी, क्योंकि हमारी आँखों में तो आपकी ही सूरत बसी हुई है। हम आपके सिवा कुछ और नहीं देखते हैं, तो हमारी आँखों में आप ही की तस्वीर भी, आपकी छवि अर्थात आप ही की तस्वीर भी बसी हुई है। पर अपने राज्य में एक उस पर उस दरबारी ने कहा, लेकिन मैं आपको एक बात बतलाता हूँ कि अपने राज्य में एक विशेष तरह की जाति है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ का मतलब होता है जो किसी विषय के बारे में, उस विषय के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो। तो हमारे राज्य में एक विशेष तरह की जाति है जिसे उस भ्रष्टाचार के बारे में उसे अच्छी तरह से पता होगा। इस आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आँखों में आंच कर वे बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। अंजन, अंजन मतलब होता है सुरमा, जो हमारी आँखों को जब हम लगाते हैं तो हमारी आँखों को साफ करता है। तो जो विशेषज्ञ हैं उनके पास एक तरह का अंजन है, जब वे अपनी आँखों में उसे लगा लेते हैं तो उन्हें बारीक से बारीक चीज़ें भी दिख जाती है, वे बारीक से बारीक चीज़ों को भी देख लेते हैं। दरबारी ने कहा, मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। अब राजा ने, दरबारी ने राजा से निवेदन किया, आग्रह किया कि आप मेरी विनती सुने और जो विशेषज्ञ हैं उसे ही भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम आप सौंपे, ठीक है? अब राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, राजा ने तुरंत उस जिस विशेषज्ञ के बारे में दरबारी ने कहा था उस जाति के 5 व्यक्ति को बुलाए और उन्होंने कहा सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता है। राजा ने विशेषज्ञ से कहा कि हमने सुना है कि हमारे राज्य में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला है, परंतु वो कहाँ है वो हमें पता नहीं चलता है। तुम उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। उन 5 को राजा ने कहा कि वो अगर भ्रष्टाचार तुम्हें मिल जाए तो उन्हें पकड़कर तुम मेरे पास ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। छानबीन का मतलब होता है खोज करना। विशेषज्ञों ने, जो 5 व्यक्ति आए थे, उन्होंने उसी दिन से भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। 2 महीने बाद पुनः वे दरबार में आए। 2 महीने जब बीत गए तो वो राजा के सामने आए और बोले हाँ, राजा के सामने आए। उन्हें देखते ही राजा ने उनसे पूछा, क्या जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वो पूरी हो गई? जो जांच करने के लिए मैंने तुम्हें कहा था, क्या वो जांच पूरी हो गई? उस पर विशेषज्ञ ने कहा, जी सरकार। राजा ने पूछा, क्या भ्रष्टाचार मिला? मैंने तो तुम्हें भ्रष्टाचार ढूंढने का काम दिया, तो क्या तुम्हें वो मिल गया? जी बहुत सा मिला। विशेषज्ञ ने कहा, जी हमें बहुत सा भ्रष्टाचार मिला है।
वह राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दो, मैंने तो तुम्हें नमूना लाने को कहा था। लाओ भ्रष्टाचार, तुम मुझे सौंपो, मेरे हाथ में दो, मैं भी तो देखूं कि उसका स्वरूप कैसा है, आखिर वो होता कैसा है। विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। स्थूल, स्थूल का मतलब होता है मोटा, ठीक है ना, और सूक्ष्म सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। तो विशेषज्ञ ने राजा को कहा, वह स्थूल नहीं है, ऐसी वस्तु नहीं है जो कि आपके हाथों में हम दे दें और वो आपको दिखाई दे, वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही बारीक है, ठीक है, अगोचर है, मतलब सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते हैं, सर्वत्र है लेकिन प्रत्यक्ष मतलब अपनी नजरों से हम उसे देख नहीं सकते हैं। वह उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। राजा ने कहा, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने कहा, उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम अपने हाथ में ले नहीं सकते, बल्कि उसे बस अनुभव किया जा सकता है। अब राजा सोच में पड़ गया कि आखिर है क्या। विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब चारों तरफ व्याप्त है, सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, अगोचर भी है, ठीक है, और चारों तरफ है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? ये स्थूल होना, अगोचर होना, सर्वव्यापी होना, ये सारे गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार का जो स्वरूप है वो ईश्वर का ही है? क्या ईश्वर ही भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। इस बात पर विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, आज के समय में भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है, ईश्वर का ही स्वरूप हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है, उसे हम कैसे महसूस कर सकते हैं, हमें बतलाइए, वह है कहाँ, हम उसे कैसे देख सकते हैं, देख नहीं सकते, चलिए उसका अनुभव कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हमें बतलाइए। विशेषज्ञों ने कहा, वह सर्वत्र है। सर्वत्र है मतलब सभी जगह पर है, ठीक है, वह इस भवन में भी है, वह महाराज के सिंहासन में भी है। विशेषज्ञ ने कहा, वह सर्वत्र है, चारों तरफ व्याप्त है, वह इस भवन में भी जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ तक कि जिस सिंहासन पर महाराज बैठे हैं उस सिंहासन में भी है। जैसे ही उसने कहा सिंहासन में है, यह सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए। राजा आश्चर्य में पड़ गए। वे उस सिंहासन से उछलकर खड़े हो गए, ठीक है। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में भी है। पिछले महीने की बात है, इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था,